शहर से थोड़ी ही दूर एक बड़ा ही गुमनाम सा गांव था। उस गांव में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं अक्सर घटा करती थी जो सोच से परे थी। उस गांव के बाहर के जंगल में एक झोपड़ी, उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। गांव वालों का ऐसा मानना था कि वह बूढ़ी औरत एक खौफनाक डायन भी थी। वह काला जादू से कई लोगों की जानें हड़प चुकी थी। गांव वालों का यह मानना सत भी था और जायज भी। एक बार की बात है, वह बूढ़ी औरत की हरकतों से ही गांव वाले यह मानने लगे थे कि वह एक डायन है। बूढ़ी औरत की नजर एक मुर्गी पर पड़ती है। वह उस मुर्गी को देखकर ही अपने मन में कुछ विचार कर चार मोमबत्ती लगाए कुछ मंत्र बड़बड़ाती है। उस मंत्र के बड़बड़ाते ही वह कुछ कागजों पर कुछ मंत्र को लिखकर कुछ सैंपल्स बनाती है। चार नींबों को उस कागज के चारों तरफ रखती है। मोमबत्ती जलाए हुए उस चारों ओर उसकी नजर एक मुर्गे पर पड़ी। उस मुर्गे को देखकर उसने उसे अपने हाथों में दर्द पूछा। मंत्र बड़बड़ाते हुए उसने उस मुर्गी को बड़ी ही खौफनाक नजरों से देखा और उसने उस मुर्गी को देखते ही उस मुर्गी की गर्दन मरोड़ दी और उस मुर्गी की गर्दन मरोड़ कर उस कागज के चारों ओर फेंका। वह मुर्गी छटपटाती रही लेकिन ऐसा उसे कोई फर्क ना पड़ा। वह अपने मंत्र में माखोश थी। एक बार की बात है, सुरेश अपने घर में सोया हुआ था। अचानक ही रात को उसे किसी का फ़ोन आया। उस फ़ोन को सुनते ही वह तुरंत ही अपने दोस्त से बात कर बात की ख़त्म होते ही वह कुछ सोच में पड़ा। उसने घर में टंगे उस घड़ी को देखा। घड़ी पर देखने पर 3:30 बजे थे। वह गाड़ी में तैयार हो बैठा और अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ किसी और निकल पड़ा। तेज रफ्तार में चलती गाड़ी में सभी दोस्त बैठे घूमने के लिए निकल गए थे। वह आधी रात थी और आधी रात को ही सभी दोस्त मिलकर एक खौफनाक जगह घूमने जाने का प्लान बना चुके थे। आधी रात को बने इस प्लान में गाने सुनते हुए बड़ी ही मौज मस्ती के साथ वे लोग सफ़र का मज़ा उठा रहे थे। ऐसे ही मज़े में वह एक खौफनाक हादसा जो उनके साथ घटने वाली थी, वे उनसे बेखबर बेअनजान चले जा रहे थे। अचानक ही गाड़ी रुककर उसमें से गाड़ी से सुरेश निकला और उसने अपने दोस्तों से पूछा, बताओ खाने के लिए क्या लाऊं? यह सुनकर सभी दोस्त खाने पीने की बात कर ही रहे थे कि सुरेश ने देखा कि पीछे वाली सीट में बैठा उसका दोस्त रोहन के चेहरे पर एक अजीब सा आक्रोश था। यह देखकर ही सुरेश को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ है। रोहन के चेहरे पर वह आक्रोश देख सभी दोस्तों के होश उड़ गए। उनके चेहरे से पसीने टपकने लगे। वे बिल्कुल ही घबरा चुके थे कि आखिर उसके दोस्त को ये क्या हो गया है। वे लोग अनजान थे उस घटना से जो उनके साथ बीतने वाली थी। रोहन के चेहरे पर उनकी आँखा और आक्रोश का एक अजीब सा खौफ था। उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और वह रह रहकर चिल्ला रहा था। यह सब देख उसके दोस्त बड़े ही घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तब उन्होंने फैसला किया कि पासी वाले मंदिर में एक पंडित जी से बात कर वे इस भूत को भगाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे जिनके शरीर में भूत का प्रवेश था। बुरी आत्माओं का प्रवेश वहाँ पर कई लोगों के शरीर में है। यह वह जानकर ही वे घबराए तो थे लेकिन दोस्त के कारण वे लोग वहाँ जाने से परे भी थे। वहाँ पर कई सारे लोगों के भीतर अजीब से आत्माओं का विश्वास था। वे लोग घबराते हुए अपने दोस्त के लिए उस मंदिर में चले आए। वहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं घटे जा रही थी। लगातार कोई खंभे में चढ़ जाती तो कई बार किसी भूतों के साए को नाचते हुए देखकर राकेश के चेहरे से तो हाव भाव ही बदल चुके थे। वह उधर से फौरन ही भागता हुआ गाड़ी में बैठा और अपने दोस्तों को कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, हम कहीं और चलेंगे। और फिर उनके किसी साथी ने
उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया कि एक बूढ़ी औरत ऐसे पिशाचों को भगाती है। यह बात जानकर ही वे सभी उस बूढ़ी औरत के पास जाने के लिए निकल पड़े। वह बूढ़ी औरत के खौफनाक किस्से शायद उन्हें पता नहीं थे, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे वह देखकर उनके होश उड़ गए।